आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योआना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की,
कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्टात्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना।